कोरोना महामारी संकट के बीच वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। देश में 1 मार्च से बुजुर्गों को भी मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि पीएम मोदी की कैबिनेट के सभी मंत्री कोरोना वैक्सीन का दाम चुकाने के बाद ही वैक्सीन लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी योग्य मंत्री टीके का खर्च खुद वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह संख्या आगे चलकर और बड़ी होगी। जी हां, बता दें कि बुधवार को भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि 1 मार्च से 60 साल और इससे अधिक वर्ष वालों को वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए इस बात की घोषणा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि 16 जनवरी से 24 फरवरी तक करीब 1.07 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। वहीं 14 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा टीका भी दे दिया गया है।